तो उसका बर्थडे होता है तो बहुत मिस करते हैं, कोई ओकेजन, बर्थडे, एनिवर्सरी। अभी जैसे हमारे पेरेंट्स की गोल्डन जुबली थी, हमने उसको बहुत मिस किया। मेरे मैं समझ सकता हूँ मैम आपकी फीलिंग्स ब्रदर की को। मैरिज हुई तब बहुत मिस किया। कोई भी चीज़ हम सेलिब्रेट करते हैं, कोई भी फेस्टिवल, कोई भी ओकेजन सेलिब्रेट करते हैं, तब हम उसको बहुत मिस करते हैं। Our radio said, and one of the Pakistani soldiers or officer, whosoever it was, he said me, my code name was Shesha. Oh Shesha, you have come. Don't try to come up, otherwise you'll have a tough time. इन्होंने वही जो उनकी फेमस लाइंस थी, ये दिल मांगे मोर, तो वो इन्होंने टैटू बनवा रखा है। मैम 7 जुलाई का वो दिन जिस दिन बत्रा जी शहीद हुए थे, आप कहाँ थी उस वक्त और किस प्रकार आपको ये खबर मिली थी, और आपकी जो दूसरी सिस्टर है उनको या बाकी जो घर वाले थे? जब हम लोग यहाँ आए, अपनी फैक्ट्री में रुके, तो सब ऐसे देख रहे थे, तो मैंने खुद अपने हस्बैंड को बोला कि मुझे लग रहा है ये लोग मुझे बड़ी सिंपैथी से देख रहे हैं। तो मुझे बताया ही नहीं किसी ने, मैंने खुद ही जज कर लिया कि नहीं, अब वो नहीं रहा। और अपना सामान दोबारा से पैक किया और पालमपुर जाने की, क्योंकि नज़दीक कोई भी नहीं था। मेरा ब्रदर भी तब दिल्ली जॉब करता था, दूसरी सिस्टर भी दिल्ली में थी, मैं ही थी सबसे पास। बीच में 2-3 बार उसने मम्मी डैडी को कॉल किया था, और एक बार तो उसने बल्कि डैडी को ये बोला कि हमने 5140 कैप्चर कर लिया है। तो वो अर्ली इन द मॉर्निंग 7:30 के करीब शायद उसने फ़ोन किया था, तो डैडी सो रहे थे, उनको ठीक से समझ नहीं आया, वो एकदम डर गए। डैडी को सुनाई दिया कि मैं कैप्चर हो गया। तो उन लोगों ने भी मैरिज कर ली, तो हमने डिंपल जी को भी बहुत कहा था पर वो नहीं मानी। तो अब तो शायद उनके पेरेंट्स ने भी एक्सेप्ट कर लिया होगा कि कोई बात नहीं। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारी इस बहुत ही स्पेशल इंटरव्यू में। और ये इंटरव्यू मैं आपको बताऊं, मेरे लिए भी बहुत ही स्पेशल है, क्योंकि जो शख्सियत मेरे साथ इस वक्त बैठे हैं, ये शहीद कैप्टन विक्रम बत्रा, उनकी सिस्टर हैं, इनका नाम है सीमा जी, सीमा बत्रा सेठी, और मंडी में रहती हैं, मंडी में इनकी शादी हुई है। मंडी पालमपुर से जो विक्रम जी का घर था, वहाँ से 100 किलोमीटर की दूरी पे एक दूसरा एक ज़िला है, शहर है। और साथ में ईशान बैठे हुए हैं, इनके छोटे बेटे हैं ये, और ये एक इंस्टाग्राम का एक पेज हैंडल करते हैं विक्रम बत्रा जी का, और आप देख सकते हैं इनकी हाथ के ऊपर इन्होंने वही जो उनकी फेमस लाइन्स थी, ये दिल मांगे मोर, तो वो इन्होंने टैटू बनवा रखा है। बहुत बढ़िया जज्बा रखते हैं ये, और काफ़ी सहेज के रखा है उनकी यादों को सीमा जी ने भी और ईशान ने भी विक्रम जी की। मैं अभी ये एल्बम देख रहा था, पूरी बातचीत हो रही थी हमारी, तो अपने में एक तरीके का हम लोग एक हिस्ट्री में पीछे जाके उन चीज़ों को देख रहे थे, और बहुत ही एक स्पेशल चीज़ थी वो, और स्पेशली इनसाइट जानना, और वो एक किसी फैमिली मेम्बर की कि वो उनका क्या एक पॉइंट ऑफ व्यू रहता है इन चीज़ों को लेके, वो बहुत ही एक ऐसा चीज़ है जो अमूमन हम लोग देखते नहीं हैं। लेकिन ये चीज़, ये भी एक पक्ष है किसी भी वॉर का। मैं आपको बताऊं, जब युद्ध होते हैं, युद्ध के बाद हमें पता है देश के लिए जान न्यौछावर कर देते हैं हमारे वीर सैनिक, लेकिन उसके पीछे भी एक कहानी होती है, उनके पीछे भी एक जिंदगियां होती हैं, उनके ऊपर क्या चीज़ बीतती है, वो कैसे देखते हैं इन चीज़ों को, कैसे विक्रम जी की यादों को सीमा जी ने सहेज के रखा है अभी, तो वो हम सबको डिस्कस थोड़ा पूछेंगे मैम से। मैम बहुत बहुत शुक्रिया हमारे हमें समय देने के लिए आपका, और ईशान जो हैं ये जो पेज चलाते हैं इंस्टाग्राम का, जैसे मैंने बताया, तो उन्हीं को मैंने कांटेक्ट किया था पेज के थ्रू, तो फिर मुझे पता चला कि हाँ, कि ये भी खुश हुए कि चलो इस तरीके से। मेरे ख्याल से मैम ने ज़्यादा इंटरव्यूज़ दी भी नहीं है। 4 भाई बहन हैं,
जिसमें एक थे कैप्टन शहीद कैप्टन विक्रम बत्रा जी और उनके जुड़वा भाई हैं विशाल बत्रा जी, आपने काफ़ी आजकल उनको इंटरव्यूज़ में देखा होगा, और इनकी जो छोटी सिस्टर हैं वो हैं नूतन बत्रा जी, आप सबसे बड़ी सिस्टर हैं, तो ये सबसे बड़ी सिस्टर थी, इनसे छोटी थी नूतन बत्रा जी, और उसके बाद वो अभी दिल्ली में है टीचिंग लाइन में है, और जो उसके बाद जुड़वा जो जन्म लिए बच्चे उनके घर में, मतलब विक्रम बत्रा जी और विशाल बत्रा जी, तो ये चार भाई बहन हैं। तो चलिए अब ज़्यादा अब कुछ शुरुआत करते हैं, थोड़ा सा पूछते हैं इनसे कि कैसा वो समय था और आज इतने समय बाद फिर से उन यादों को कैसे देखते हैं, और अचानक से जब कोई फिल्म आ जाती है बड़े पर्दे पे तो वो कैसा वो फीलिंग्स होती हैं किसी एक परिवार की। मैम पहला सवाल तो मेरा यही रहेगा किसी भी उससे कि आपका जो चाइल्डहुड था वो कैसा रहा है आप चारों भाई बहन का? हमारा बचपन बहुत अच्छा था, हम सब भाई बहनों की आपस में बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी, कभी हम मुझे नहीं लगता कि हमने भी ऊंची आवाज़ में बात की होगी, तो इकट्ठे खेलते थे, उतने फ्रेंड्स की मतलब हमें लगता ही नहीं था कि ज़रूरत है, हम आपस में ही इतना ज़्यादा खुश रहते थे, फ्रेंड्स थे लेकिन हम आपस में खेलकर भी बहुत खुश रहते थे जी। और कभी ऐसा भी नहीं हुआ कि कभी किसी बात पे लड़ाई झगड़े से अमूमन होता है बच्चों में? कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। और जैसे आप लोग पले बड़े तो सबकी अलग अलग इंस्पिरेशन होगी ज़िंदगी में क्या करना है आगे, बत्रा जी की विक्रम जी की जो इंस्पिरेशन थी आर्मी ज्वाइन करने की वो कैसे आपको पता था कि उनके अंदर ये गुण हैं पहले से? हाँ जी, वो पहले DAV स्कूल में पढ़ते थे, इतनी छोटी एज में तो अभी इतना एम्बिशन बनता नहीं, लेकिन जैसे वो 8th 9th में हुए फिर सेंट्रल स्कूल ज्वाइन किया उन्होंने, तो चारों तरफ आर्मी मैन दिखाई देते थे, उनका फ्रेंड सर्कल भी वैसा था, आर्मी की गाड़ियाँ देखते थे, तब धीरे धीरे उनमें जो थी आर्मी में जाने के लिए इंस्पिरेशन उनको हुई कि मैं आर्मी ज्वाइन करूँगा, और कहते हैं ना कि जिस सर्कल के बीच में रहो हम वैसे ही बन जाते हैं, तो उसका भी आर्मी में आर्मी स्कूल में मतलब सेंट्रल स्कूल में पालमपुर सेंट्रल स्कूल में पढ़ते थे तो उसका भी बहुत इम्पैक्ट पड़ा, जिस तरह के लोगों में रहते थे, उनके फ्रेंड्स आर्मी ऑफिसर्स के बच्चे थे, स्कूल के बाद भी वो वहाँ खेलने जाते थे, वहाँ पर लॉन टेनिस स्क्वैश खेलते थे, तो उनका काफ़ी इम्पैक्ट पड़ा, और धीरे धीरे वो बिल्कुल ही 12th तक आते आते उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि वो आर्मी में जाएंगे। आप सिस्टर्स के साथ डिस्कस हुई थी उनकी कभी? हाँ जी, बहुत बार होता था कि मुझे बहुत अच्छा लगता है आर्मी लाइन, बहुत अच्छी लगती है, यूनिफॉर्म जो थी आर्मी की उनको बहुत अट्रैक्ट करती थी। और जैसे मैम आगे हम बढ़े थोड़ा सा तो 99 में करगिल का वॉर शुरू हुआ था, बैटल ऑफ करगिल, तो उस वक्त जब आपको ये पता चला या फैमिली में जब आपके माता पिता को सबको कि विक्रम जी जा रहे हैं, तो आप उस वक्त कहाँ थे पहले तो मैं अब जाना चाहूँगा, और वो कैसा माहौल था उस वक्त? हाँ जी, मैं उस टाइम मंडी में ही थी, और हम लोग लास्ट उसने मुझे कॉल किया था, आई थिंक 1st June या 2nd June 99 की बात है, जाने से पहले उसने एक दिन पहले मुझे कॉल किया कि दीदी मैं जा रहा हूँ ऊपर, जब उसने ऊपर बोला तो मुझे ऐसे वो लगा, थोड़ा ठीक नहीं लगा, मैंने कहा मतलब बोलता कारगिल, मैंने कहा तो ऐसे बोलो ना, फिर वो उसके बाद मेरी और उसकी कोई बात नहीं हुई, पर जब से मैंने सौरभ कालिया का सुना था तब से थोड़ा डर दिमाग में आ गया था कि जितना हम सोचते थे वार को तो उतनी इजी है नहीं। और युद्ध लड़ रहे होते हैं हमारे सैनिक, तो मैं जानना चाहूँगा वो क्या फीलिंग होती है कि आपका कोई रिश्तेदार या आपका भाई या आप बेटा कोई है जो वहाँ खड़ा है, और वो उस वक्त न्यूज़ हमारे पास बड़ी संख्या में आ रही होती है, मुझे खुद याद है कि हम लोग तो स्कूल टाइम में थे, हमारा स्कूल टाइम था उस वक्त, और मेरे ख्याल से मैं भी उस वक्त 7वीं या 8वीं में रहा हूँ, 8वीं या 9वीं में, तो हम भी अखबार पढ़ते थे, तो जो कहानियाँ हम पढ़ते थे किसी की अभी शादी हुई है, किसी का बच्चा हुआ है, किसी की वाइफ, किसी को पता भी नहीं होता था कि उसका वहाँ पे डिलीवरी हुई है उसकी वाइफ की और शहीद हो जाते हैं यंग बच्चे, तो वो फैमिली के अंदर वो कैसे मतलब मेरे को तो लगता है कि नींद वगैरह भी आती होगी उस वक्त। उस टाइम देखो मुझे तो बहुत डिप्रेशन सा हो गया था, मुझे कुछ खटका सा लगता था कि जब भी सुनते थे किसी फौजी को शहीद होते हुए तो डर लगता था कि ये कहीं वो न्यूज़ ना आ जाए, भगवान ना करे वो न्यूज़ आए, तो ऐसे करते करते दिन बीतते जा रहे थे, हम काफ़ी दिन मतलब जून से गया था 30-40 days, तो हमको थोड़ा सा वो स्टेबिलिटी आ गई थी कि नहीं अब तो काफ़ी दिन हो गए, शायद वार अब
कंप्लीट ख़त्म होने वाली है, लेकिन नहीं, फिर उसकी भी न्यूज़ जैसे सौरभ कालिया की आई, मैंने आपको बताया, और कई ऑफिसर्स शहीद हुए उनकी आई, लेकिन लास्ट तक ना, जब तक उसकी मतलब लास्ट में हमको हो ही गया कि अब आ ही गई उसकी न्यूज़ जो हम नहीं चाह रहे थे, अंदर से था, एक हिडन थी ये फीलिंग, लेकिन न्यूज़ आ ही गई। उसके पहले आपने उनको देखा होगा टीवी पे भी, वो न्यूज़ में आए थे तोलोलिंग के बाद। हाँ जी, 5140 को कैप्चर करने के बाद हम उस टाइम चंडीगढ़ एक मैरिज पे गए हुए थे, मेरे डैडी भी वहाँ थे, तब भी देख करके हम बहुत खुश हो रहे थे, उसको देख के लग नहीं रहा था कि आज वो 7 जुलाई का ही शूट था, और 7 जुलाई को रात को 1:30 बजे उनको गोली लग गई। तब तक भी हमको था कि नहीं, शायद अब ख़त्म हो जाएगी जंग, काफ़ी आगे बढ़ गए हैं, इन्होंने काफ़ी कुछ जीत लिया है, लेकिन वो उसी रात को 1:30 बजे के करीब उनको जी शहीद हो। और वॉर जोन में तो ऐसा होता है कि क्योंकि कम्युनिकेशन के बहुत से लिमिटेड साधन होते हैं, सैटेलाइट फ़ोन यूज़ कर सकते हैं, तो आपकी जैसे कि आपने कहा कि सिर्फ आपकी जब वो जा रहे थे वॉर में तो उसी वक्त बात हुई थी, परंतु आपके माता पिता से उनकी बातचीत होती होगी, आप फिर अपने माता पिता के टच में रहते होंगे, तो वो कैसे आप जानते थे उनके बारे में? बीच में 2-3 बार उसने मम्मी डैडी को कॉल किया था, और एक बार तो उसने बल्कि डैडी को ये बोला कि हमने 5140 कैप्चर कर लिया है, तो वो अर्ली इन द मॉर्निंग 7:30 के करीब शायद उसने फ़ोन किया था, तो डैडी सो रहे थे, उनको ठीक से समझ नहीं आया, वो एकदम डर गए, डैडी को सुनाई दिया कि मैं कैप्चर हो गया, उन्होंने ऐसा सुना, तो वो समझ गए, विक्रम जी समझ गए कि डैडी को कुछ गलती लगी है, तो उन्होंने फिर करेक्ट किया कि डोंट वरी डैडी, मैं कैप्चर नहीं हुआ, हमने कैप्चर कर लिया 5140 जी। और फिर आप पूछते रहते होंगे अपने फादर? हाँ जी, हाँ जी, 3rd-4th day हम उनको फ़ोन करके पूछते रहते थे। मैम, 7 जुलाई का वो दिन जिस दिन बत्रा जी शहीद हुए थे, आप कहाँ थी उस वक्त, और किस प्रकार आपको ये खबर मिली थी, और आपकी जो दूसरी सिस्टर है उनको या बाकी जो घर वाले थे? हम चंडीगढ़ से वापस आ रहे थे, तो उन दिनों पैट्रियोटिक सॉन्ग्स बहुत ज़्यादा आ रहे थे, कहीं ढाबे पे, कहीं होटल में, कहीं भी रुक जाओ तो पैट्रियोटिक सॉन्ग्स ही सुनाई पड़ते थे, वो सुन सुन के ना मन बहुत डरता था, मुझे बताया नहीं, आप मानोगे मुझे किसी ने नहीं बताया, मुझे खुद ही इंट्यूशन हो गई, मैंने खुद ही बोल दिया। जब हम लोग यहाँ आए अपनी फैक्ट्री में रुके तो सब ऐसे देख रहे थे, तो मैंने अब खुद अपने हस्बैंड को बोला कि मुझे लग रहा है ये लोग मुझे बड़ी सिंपथी से देख रहे हैं, तो मुझे बताया ही नहीं किसी ने, मैंने खुद ही जज कर लिया कि नहीं, अब वो नहीं रहा। और उसके बाद फिर आपका क्या, वो आपने बातचीत की अपने फादर से, मदर से, किस टाइम की? उसके बाद हम घर गए, अपना यहाँ पे घर आए और अपना सामान दोबारा से पैक किया और पालमपुर जाने की, क्योंकि नज़दीक कोई भी नहीं था, मेरा ब्रदर भी तब दिल्ली जॉब करता था, दूसरी सिस्टर भी दिल्ली में थी, मैं ही थी सबसे पास, वैसे तो पालमपुर के लोगों ने बहुत सपोर्ट किया, नेबर्स, फ्रेंड्स, सब लोग वहाँ थे, लेकिन मुझे था कि मैं जल्दी से जल्दी अपने पेरेंट्स के पास पहुँच जाऊँ। और जब आप पहुँचे वहाँ पर क्या माहौल था वहाँ पे पालमपुर आपके घर? पालमपुर में आर्मी ऑफिसर्स बहुत थे, उनकी वाइव्स, फैमिलीज, नेबर्स, सबका बहुत सपोर्ट था, मुझे जो लग रहा था कि मम्मी डैडी अकेले होंगे, मुझे वो फीलिंग नहीं आई जा करके, सब लोगों ने बहुत सपोर्ट किया, और नेक्स्ट टू नेक्स्ट डे मेरा ब्रदर और सिस्टर पहुँचे, क्योंकि पहले कन्फर्म नहीं था कि पालमपुर लाया जाएगा उनको या दिल्ली लेके जाएगा। और उसके बाद जो फ्यूनरल का टाइम था उनका, हाँ जी, वो 11th को उनकी बॉडी यहाँ आर्मी कंटोनमेंट में आई, और फिर 11th को घर पे 9-10 o'clock के करीब आकर के 12 o'clock के बाद उनका क्रीमेशन हुआ। पहले उनको पालमपुर स्टेडियम है वहाँ पे ले जाया गया, सब लोगों ने वहीं पे उनको देखा, वहीं पे गैदर हुए, और बाद में क्रीमेशन पॉइंट में जाकर ले गए मतलब उनको। अभी जो हाल ही में फिल्म आई है शेरशाह, उसमें दिखाया गया कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण कैरेक्टर है उनकी लाइफ का, बत्रा जी की लाइफ का, जो डिंपल चीमा जी हैं, जो जी, जिनसे वो शादी करना चाहते थे। हाँ जी, तो उसमें दिखाया गया कि वो भी वहाँ मौजूद थी, तो वो सारी बातें सही हैं? हाँ जी, बिल्कुल सही हैं, वो भी वहाँ पर आई थी। ओके, इन लोगों ने इस मूवी के लिए जो टीम है, टीम ने बहुत हार्ड वर्क किया है, 3-5 years के करीब लगा दिए हैं, उन्होंने जितना ज़्यादा हमसे पूछ करके ओरिजिनल फैक्ट्स को ला सकते थे वो लाने की कोशिश की है, और उन्होंने बिल्कुल ठीक दिखाया हुआ है, मुझे इसमें कुछ भी फेक नहीं लगा।
मैं वापस आऊँ, मैं दर्शकों और बता दूँ, मैं जैसे ईशान वहाँ बैठे हुए हैं, ईशान मेरे को भी फ़ोटोज़ दिखा रहे थे, शूट पे जाते थे ये भी, और इनके साथ एक्टर हैं, क्या नाम है उनका, अपने सिद्धार्थ मल्होत्रा, उनके साथ काफ़ी टाइम बिताया इन्होंने, डायरेक्टर को काफ़ी ये चीज़ें बताते रहते, जो जब रिसर्च चल रही थी मूवी की तो उस वक्त भी इन्होंने, और जो विशाल भाई हैं, वे बत्रा जी के जो जुड़वा भाई हैं, उन्होंने काफ़ी हेल्प की, पूरी फैमिली ने मिलके मतलब काफ़ी चीज़ें बताई जो आप मूवीज़ में उस मूवी में आप देखते हैं। तो वो फ़ोटोज़ हम आपको दिखा रहे हैं साथ, साइड बाय साइड आप देख सकते हैं कि ये शूट के टाइम के फ़ोटोज़ थे, जो शेरशाह फिल्म की जो शूटिंग हुई है उस समय के। सीमा मैम, आपसे मैं अगला सवाल पूछना चाहूँगा, जन्मदिन होता है बत्रा जी का, या 7 जुलाई का वो दिन होता है जब वो शहीद हुए थे, आप क्या करते हैं हर साल, आप जो तीनों भाई बहन हैं, और किस तरीके से याद करते हैं उस दिन उन्हें? हम तो उनको हमेशा याद करते हैं, मुझे लगता है हम जो अलाइव है ना, उन लोगों को कम याद करते हैं, उसको ज़्यादा याद करते हैं। तो उसका बर्थडे होता है तो बहुत मिस करते हैं, कोई ओकेजन, बर्थडे, एनिवर्सरी, अभी जैसे हमारे पेरेंट्स की गोल्डन जुबली थी, हमने उसको बहुत मिस किया। मैं समझ सकता हूँ मैम आपकी फीलिंग्स। मेरी ब्रदर की मैरिज हुई तब बहुत मिस किया। कोई भी चीज़ हम सेलिब्रेट करते हैं, कोई भी फेस्टिवल, कोई भी ओकेजन सेलिब्रेट करते हैं, तब हम उसको बहुत मिस करते हैं। मैं चाहूँगा आप थोड़ा सा समय लें, और दर्शकों को वही होता है कि हमारे लिए भी ये चीज़ें बहुत मुश्किल हो जाती हैं कवर करना, क्योंकि इमोशंस जुड़े होते हैं फैमिली के, और मैं खुद क्योंकि एक आर्मी बैकग्राउंड से हूँ तो वो चीज़ें मैं समझ सकता हूँ। और ये सवाल मतलब एक तरीके से देखा जाए, हम चाहते हैं कि दर्शक जाने, लोग जाने कि क्या फीलिंग होती है वो परिवार की, और उसे लाना मतलब मैं आपको बताऊं कि एज ए जर्नलिस्ट बहुत ही एक टफ काम होता है इस प्रकार के इंटरव्यूज़ को लेना। बट स्टिल मैं आपसे एक सवाल जानना चाहूँगा मैम कि पहले तो आपके मॉम डैड को सैल्यूट है कि उन्होंने इतने टाइम तक उनकी मेमोरीज को सहेज के रखा है, वो एक म्यूज़ियम, बहुत ही खूबसूरत म्यूज़ियम वहाँ पे उनके घर पे बना हुआ है, और आज भी मैं देखता हूँ कि बहुत ही बढ़िया तरीके से वो इंटरव्यूज़ देते हैं, उनके लाइफ के बारे में बताते हैं, इंस्पायर करते हैं लोगों को। तो अभी उनका, आपके मॉम डैड का जीवन कैसे, मतलब टाइम पास कैसे होता है उनका, क्या करते हैं? और वो इन्विटेशंस बहुत होते हैं उनको ऑल ओवर इंडिया से, वहाँ जाते रहते हैं। डैडी बहुत अच्छा लिखते हैं, वो बुक्स लिखते रहते हैं, 2 बुक्स लिख चुके हैं वो, एक पंजाबीज के लिए कि, और एक दूसरा विक्रम बत्रा के लिए, अच्छी बुक बहुत अच्छा लिखते हैं डैडी, और लिखते रहते हैं, कुछ ना कुछ लिखते रहेंगे। और एक ऑर्गेनाइज्ड लाइफस्टाइल है, वो भी डिसिप्लिन्ड हैं, वॉक पे जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, बाकी फंक्शंस पे इनवाइटेड होते हैं, आर्मी के, सिविल के, उनमें जा कर के अपना टाइम पास कर लेते हैं, बहुत अच्छी लाइफ स्पेंड कर रहे हैं जी। और एक वही मैं फिर से डिंपल जी की बात उस पर आऊँगा, काफ़ी इम्पॉर्टेंट एक कैरेक्टर उनके लाइफ का, और आप लोगों की भी लाइफ का होगा। तो मैम जो डिंपल जी थे, उनके उनकी जो मोहब्बत थी, पहली मोहब्बत तो वतन ही था उनका, और वतन के लिए वो सैक्रिफाइस हो गए, और हर फौजी यही कहता पहली मोहब्बत मेरा वतन है, और उसके बाद मेरी बीवी या मेरी गर्लफ्रेंड या फैमिली वाले। अब कभी उन जब ये सब हुआ उसके बाद फैमिली ने बोला हो उनको, डिंपल जी को, कि आप पालमपुर में ही आके रहो, या आपने इंसिस्ट किया हो कभी? हमने पहले तो उनको कहा था कि आप मैरिज कर लें, क्योंकि कईयों की मैरिज हो चुकी थी, उन्होंने फिर भी रीमैरिज करी, और एक दो और सुना था जो जिनकी एंगेजमेंट हुई थी वो युद्ध में शहीद हो गए, तो उन लोगों ने भी मैरिज कर ली। तो हमने डिंपल जी को भी बहुत कहा था पर वो नहीं मानी, तो अब तो शायद उनके पेरेंट्स ने भी एक्सेप्ट कर लिया होगा कि कोई बात नहीं, अब ऐसे मतलब अब वो नहीं करना चाहती जी। और आपको कैसा लगता है जब बत्रा जी के ऊपर कोई फिल्म बनती है, या कोई डॉक्यूमेंट्री आती है, कोई न्यूज़ रिपोर्ट आती है, तो आप चाहते हैं कि ये चीज़ें अब एक तरीके से इनको ये बंद हो जानी चाहिए, या आपको लगता है कि ये ठीक है इंस्पायर करने के लिए, क्या लगता है? क्योंकि देखिए कोई, मैं ये चीज़ फीलिंग को पूरी तरह समझ सकता हूँ, घर में कोई शहीद हुआ है और आप उसकी याद में, आप ऑब्वियसली बात है दुख होता है पूरी फैमिली को, वो दुख 2 महीने रहता है, 6 महीने रहता है, 1 साल रहेगा, 2 साल रहेगा, कमी तो पूरी ज़िंदगी खलेगी, नो डाउट।
लेकिन ये चीज़ें क्या बार बार आपको उस जोन में ले जाती हैं, उस समय में ले जाती हैं वापस, और आपको सारी चीज़ें फिर से वो दुख और दर्द जो उस वक्त था उसी लेवल का आज भी झेलना पड़ता है या सहना पड़ता है? दुख नहीं कह सकते, हम उसको मिस करते हैं, लेकिन जब हम बार बार सुनते हैं तो हमको प्राउड फील होता है कि उसने देश के लिए कुछ किया, जिस वजह से उसका नाम बार बार आता है। अब हम दुखी नहीं होते, अब हम उसको, अगर हम इमोशनल हो जाते हैं ना, उसका रीज़न है कि हम उसको मिस करते हैं और प्राउड फील करते हैं। जो आंसू हैं वो प्राउड के भी हैं साथ में, मिस करने के भी हैं। जी, दोनों इमोशंस मिक्स होते हैं। जी जी, अभी आप जाते रहती हैं पालमपुर अपने मायके? जी हाँ जी। लेटेस्ट कब गए थे आप? अभी जुलाई में मेरे पेरेंट्स की गोल्डन जुबली थी। अच्छा, हाँ जी, तब गए थे। चलिए, हमारी तरफ से भी उनको बहुत बहुत बधाई। आप वीडियो देख रहे हो तो आपको हमारी पूरी टीम की तरफ से आपकी एनिवर्सरी के लिए बहुत बहुत बधाई मैम और सर, और आप बहुत अच्छा, और मैं आपसे मिलने ज़रूर आऊँगा, मैम से भी बात हो रही थी मेरी, पालमपुर जाएंगे किसी दिन और वहाँ पर वो म्यूज़ियम मैं देखना चाहूँगा। हाँ जी, ज़रूर जी। और मैम, क्या कहना चाहेंगे आप आजकल की पीढ़ी को, क्या संदेश देना चाहेंगे? आपके घर में तो एक ऐसा एक ब्रदर था जिस बहुत ही जिंदा दिल से कहेंगे। हाँ जी, तो कुछ आप कहना चाहें तो? आजकल बच्चे ग्लैमर की तरफ ज़्यादा भाग रहे हैं, पैम्पर्ड जनरेशन है, और जो है आर्मी में उनको लगता है रिस्क फैक्टर ज़्यादा है, इस करके वो आर्मी नहीं ज्वाइन करना चाहते। वो बड़े बड़े पैकेजेस जो आते हैं मल्टीनेशनल कंपनीज़ के, उनकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। तो हम चाहते हैं कि मीडिया में भी और जो है प्रमोशंस इस तरह की होनी चाहिए कि बच्चे जो है आर्मी ज्वाइन करने के लिए प्रेरित हो सकें। जी हाँ जी। और कुछ ऐसी, मैं वो सवाल भूल गया, कुछ ऐसी याद आपकी जो विक्रम जी के साथ आप सिस्टर्स की या ब्रदर्स की, जो बड़ी यूनिक सी हो, आपने कोई ऐसा, कोई जैसे कहते हैं ना शरारतें करते थे बच्चे, तो वैसा कुछ हो या कोई और यूनिक सी याद कोई? वो जब भी कहीं जाते थे, टूर्नामेंट्स में जाते थे, वो ज़रूर कुछ ना कुछ लेके आते थे, और थोड़ा बहुत नहीं, बड़ा ज़्यादा ज़्यादा। जैसे उस टाइम पे हमको ज्वेलरी का शौक़ था, तो वो बहुत सारी ज्वेलरी, जैसे वो बैंगलोर, मुझे अभी तक याद है कि बैंगलोर गए थे टेबल टेनिस का नेशनल्स खेलने, तो वहाँ वो सीपियाँ मिलती हैं छोटी छोटी, उसकी बहुत सारी ज्वेलरी और तरह की ज्वेलरी, बहुत ढेर सारी ज्वेलरी लेके आए थे। कहीं भी जाते थे, खाने पीने की बहुत सी चीज़ें, मतलब कुछ ना कुछ वो लेकर के ही आते थे। तो जब उसको जाना होता था तो हम वेट करते थे कि देखो इस बार क्या लेके आएंगे। वो हम सब मिस करते हैं कि अगर वो अब होते तो पता नहीं क्या क्या लेके आते। जी ईशान, आपको मैं देख रहा हूँ तब से कि आप पेज भी चला रहे हैं उनका, और काफ़ी आपने भी कई काफ़ी सारी अपने मामू को चीज़ें डेडिकेट कर रहे हैं आप, कैसे याद करना चाहेंगे उनको, कैसे आज के दिन, और वो जो मूवी शूट का एक्सपीरियंस वो भी थोड़ा शेयर कीजिए। तो बचपन से ही जो मैं उनके बारे में काफ़ी कुछ सुनता आया हूँ, और जिसका नाम ही शेरशाह हो, शेरशाह मतलब किंग ऑफ लॉयंस, खुद जो जंगल का राजा एक शेर होता है, और उसका भी राजा है शेरशाह, जो दर्जा दिया गया था मेरे मामा जी कैप्टन विक्रम बत्रा को। तो उनसे मैं बहुत ज़्यादा जो है मोटिवेट होता हूँ कि उनमें जो उनका जज्बा था, जो उनका जिगरा था, वो आज तक किसी भी चीज़ से, जो मैंने नहीं सुना कि वो डरते थे, चाहे वो पाकिस्तानी थे चाहे वो कोई भी था, तो वो डरते किसी से नहीं थे, और जो उन्होंने एक बार ठान लिया वो हमेशा जो है वो ज़रूर करते ही थे। तो जिस तरीके से उन्होंने 0.4875 और 5140 को जो है वो कैप्चर किया था, उससे मैं नहीं, मेरे साथ जितने भी मेरे जैसे यूथ है और जितने भी इंडियंस, हम सारे जो बहुत जो मोटिवेट हुए थे उनको देख के, और बहुत जो है मैं उनसे प्रेरित अभी भी, जो उनको ऐसा कोई दिन नहीं होता जब मेरी मम्मा के साथ जो है बात नहीं होती उनके बारे में। उनके लिए मेरे अंदर इतने सारे क्वेश्चन आते रहते हैं, बहुत सारे जो क्वेश्चन आते रहते हैं, और मैं साथ के साथ जो अपनी मम्मा के साथ करते रहता हूँ। और जैसे आपने कहा मेरे से शूट का जो एक्सपीरियंस, शूट का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, मैंने जो है सिद्धार्थ के साथ भी जो काफ़ी टाइम जो है स्पेंड किया, और कियारा के साथ भी जो है वो काफ़ी टाइम स्पेंड किया। तो बीच में जो है ना, जब सिद्धार्थ जब भी जो है वो अपनी फॉर्म में होते, जब वो उन्होंने गेटअप लिया होता था बिल्कुल, जब वो कैप्टन विक्रम बत्रा जी का जो अपना मेरे मामा जी का रोल निभा रहे होते थे, तो बीच बीच में एकदम से उनको, जैसे वहाँ पे मेरे मामू जो विशाल बत्रा भी वहीं मौजूद होते थे, तो बीच बीच में जब वो दोनों एक साथ जब बात कर रहे होते थे कुछ होता था, तो दो सेकंड के लिए मेरे को ऐसे लगता था कि वो नहीं, ये विक्रम मामू और विशाल मामू जो जो बात कर रहे हैं आपस में, तो बीच में जो काफ़ी ज़्यादा जो वो सिमिलर लगते थे। और जिस तरीके से जो सिद्धार्थ ने और कियारा ने जो वो एक्ट किया,
तो वो मेरे को नहीं लगता कि अभी तक कोई ऐसी जो है अब मूवी बॉलीवुड में या फिर IMDb प्लेटफॉर्म में ये, क्योंकि देखो शेरशाह अभी इस टाइम पे नंबर वन है IMDb प्लेटफॉर्म में रेटिंग पे, और जो पूरे के पूरे वर्ल्ड में, शायद अभी आपको नहीं पता होगा, पूरे के पूरे वर्ल्ड में 12th पोजीशन पे जो है ये शेरशाह मूवी है, चाहे वो IMDb हो चाहे वो कोई भी हो, उस पर भी 12th पोजीशन पे है। तो बहुत अच्छा लगता है देख के, यूथ भी जो है काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट हो रही है। और जो मैं खुद अपने मामू का जो नाम आगे जो मैं पेज चला रहा हूँ, जैसा मैंने आपको बताया था, तो उसमें 30,000 फॉलोअर्स जो पेज का, आप थोड़ा नाम बताएंगे दर्शकों? तो इंस्टाग्राम पे उसका नाम है @captain.vikrambatra पे, और फेसबुक पे भी आपको इसी नाम से मिल जाएगा, कैप्टन विक्रम बत्रा के नाम से। तो उसमें जो मैं काफ़ी ज़्यादा कोशिश करता हूँ यूथ को मोटिवेट करने की आर्मी से रिलेटेड, उनकी काफ़ी ज़्यादा जो वो अनसीन पिक्स जो हैं फैमिली की या विक्रम बत्रा जी की, जो मैं काफ़ी ज़्यादा जो पिक्स है उस पर अपलोड करता रहता हूँ। जी मैम, कुछ कहना चाहेंगे लास्ट में, और कुछ भी आप अपने मन से जो आपके दिमाग में इस वक्त आ रहा है, क्या क्या ख्याल चल रहे होंगे? मैं प्राउड फील करती हूँ कि मैं विक्रम बत्रा की सिस्टर हूँ, और मैं उन सभी फौजी भाई लोगों को सैल्यूट करती हूँ जो देश की सरहद पे दिन रात इतने सर्दी में, इतना जहाँ बर्फ पड़ी होती है, देश की सेवा कर रहे हैं। मैं उन सभी फौजी भाइयों को सैल्यूट करना चाहूँगी। जी, और हमारी तरफ से भी पूरी सभी फौजी भाइयों को और सभी लोगों को जो हमारी सुरक्षा में लगे हैं, उनको दिल से सैल्यूट है, और उनकी फैमिलीज़ को भी दिल से सैल्यूट है, क्योंकि ये वो बैकबोन होती है किसी भी फौजी की, जो उसे वो मोटिवेशन देती है कि वो ऑड परिस्थिति में भी, बहुत ही डिफरेंट परिस्थितियों में भी वो फतेह करके आता है, या वो उसमें वो जज्बा रहता है फाइट करने का। वो उसकी फैमिली होती है जो जिसे जिसका किसी का फ़ोटो, किसी अपनी माँ का, कोई अपने पिता का, कोई अपनी बहनों का, कोई अपनी लवर का, कोई तो वो फ़ोटो अपने वॉलेट में कैरी करते हैं, उसे देखते हैं। आपने फिल्मों में भी काफ़ी देखा होगा। तो हमारी तरफ से मैम, आपने समय दिया, आप इतना रिवील नहीं होती हैं कैमरे के सामने, लेकिन आपने हमें समय दिया इसके लिए, आपका और ईशान आपका, आप जो बीच में ब्रिज बने, एक बहुत बहुत आपका शुक्रिया। और अगली बार जब हम कोई इंटरव्यू करेंगे, तो आई होप कि आपके जो मायका है पालमपुर में, विक्रम जी का घर है, वहाँ पे बैठेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मैम हमसे बातचीत करने के लिए। थैंक यू। रेडियो सेट मैम, पाकिस्तानी सोल्जर्स और ऑफिसर व्होएवर इट वाज, ही सेड मी माय कोड नेम वाज शेरशाह, वो शेरशाह यू हैव कम, डोंट ट्राई टू कम अप, अदरवाइज यू हैव अ टफ टाइम, एंड दैट वाज द टाइम दे गिव अस अ चैलेंज, एंड माय गाइस दे वेंट वाइल्ड, हाउ डेयर अ पाकिस्तानी ट्रूप कैन चैलेंज अस, माय कंपनीज सक्सेस किन लॉज, ये दिल मांगे मोर, द गाइस वर सो हाईली चार्ज्ड अप दैट दे आर वांटिंग दैट सम मोर बंकर्स शुड हैव बीन देयर, एंड वी वुड हैव गॉट द मोर चैप्स। Our radio said, and one of the Pakistani soldiers or officer, whosoever it was, he said me, my code name was Shesha. Oh, Shesha, you have come. Facebook पर Polestar हिमाचल का पेज लाइक करें, और YouTube पर हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।